कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। सामान्य गजल का जादू है। आइए माइक पर तशरीफ ला रही है गजल के लिए सबा बलरामपुरी साहिबा। जैसा साहिबा नोट करे सीरियल नंबर 13 सबा बलरामपुरी। रहमतुल्लाही व बरकातहू। गज़ल के दो शेर पेश कर रही हूँ और सभी की शिरकत चाहती हूँ बतौर ख़ास। ग़ुरूब हो गए बहुत शुक्रिया हाजी। तेरे करम की है मोहताज जिंदगी यारा, रहेंगे दहर में जब तक कि आप दाना है, रहेंगे दहर में जब तक कि आप दाना है। थोड़ा सा अगर आप माहौल देंगे तो मैं कोशिश करूंगी अच्छा सुनाने की। पेश करती हूँ समाप्त कीजिएगा मतलब। पूरी अपने जिंदगी की हिमायत किया करो, हिमायत किया करो, पूरे अपने जिंदगी की हिमायत किया करो, पूरे अपने जिंदगी की हिमायत किया करो। नफरत बुरी बला है मोहब्बत किया करो, मोहब्बत किया करो, नफरत बुरी बला है मोहब्बत किया करो, मोहब्बत किया करो। मुमकिन है रफ तरफ का तुम्हें भूल जाऊं मैं, तुम्हें मुझको याद आने की जहमत किया करो, जहमत किया करो, तुम मुझको याद आने की जहमत किया करो, जहमत किया करो। कुरान में खुदा ने ये ऐलान कर दिया, तुम्हें मिलेगी तिलावत किया करो,
बहुत शुक्रिया हाजी। और गजल का वो शेर मैं पेश कर रही हूँ जो मुझे बेहद अजीज है। हाजिर करती हूँ आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा बतौर खास। एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की, बताती हूँ काम की। एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की, एक बात आज तुमको बताती हूँ काम की। इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत किया करो, इज्जत किया करो। इज्जत जो चाहते हो तो इज्जत किया करो, इज्जत किया करो। और मकते गए शेर मैं पेश कर रही हूँ। तुम एक दोगे और वो सत्तर चुकाएगा, वो सत्तर चुकाएगा। तुम एक दोगे और वो सत्तर चुकाएगा, तुम एक दोगे और वो सत्तर चुकाएगा। तुम ऐसा बाखुदा से तिजारत किया करो, तिजारत किया करो। तुम ऐसा बाखुदा से तिजारत किया करो, तिजारत किया करो। खुदा ये थी सभा बलरामपुरी साहिबा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ चेयरमैन रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मोहतरम शफी मुखरी साहब से कि आप इस बच्ची को मोमेंटो और सर्टिफिकेट से नवाजें। मोहतरम शफी मुखरी साहब, सामईन कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर दाद नहीं दी जा रही है। अगर हम दोनों चाहते हैं, मैं और सरफराज साहब, तो इस गज़ल को बहुत अच्छा उठा सकते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे जज साहिबान पर उसका मनफी असर पड़ सकता है, लिहाजा आप चाहे तो भरपूर दाद दे सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भरपूर दाद दें। सामईन, आज से कई साल पहले लाल किले का मुशायरा था, मैं ही निज़ामत कर रहा था। एक शायर ने अपना ये शेर पढ़ा कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा।